आपके यहाँ मकान की क्या समस्या है? हम शुरू ही से मतलब 15 साल से अलग रहेंगे। पहले हम सास ससुर के साथ रहते थे, जब से हम अलग भाई हैं, जब से जो झोपड़ा दाव गो हमें, और हमारी जय स्थिति नहीं है कि हमको बना सके सुधार सके। हम तो ज्यादा गरीब आदमों को मकान मिल जाए या तो कहूँ तो अपनी सुख शांति से रहें, अपनी बना बिड़ी खा और का। जिला स्तर पर जो नगर निगम में योजना चल रही है वो है राजीव गांधी आवास योजना, जिसमें प्रावधान है कि 5 लाख रुपए बीपीएल से जुड़े लोगों को दिया जाता है। ये जिला सागर पूर्वी आउटोरी सूबेदार वार्ड 39, इस वार्ड में रहने वाली 25 परिवार ऐसे हैं जो कि मकान की समस्या को लेके आज बहुत ही जूझ रहे हैं और पीड़ित हैं। आपके पास गरीबी रेखा कार्ड है? हाँ, कार्ड कितने सालों से है वो आपके पास? जाए मानो 10-12 साल से ज्यादा हो गई हूँ। ये से हो गई। कभी आप लोगों ने मकान के लिए आवेदन वगैरह किया नगर निगम में? पता तो लगाई थी, एक दिन लगाई थी सुबह के, लगे के नहीं भरे जा रहे, कहीं 20,000 रुपये नगद लग रही है, तो एक कंट्रोल में चर्चा हो रही थी, तो कई कछु जनों के भरे गए पैसा वाले आदमों के, अब 20,000 अपन कहाँ से भर सका, सुखेर भाग गया। तो ये 20,000 काय के लिए लिए होने? अब जानेंगे मालूम, कब मकान की लाजे, कहीं 80,000 को मकान मिल रहा है, 1-1.5 लाख को, तो मैं 20,000 भरने पर 1500 की किस्त बांधी। हमारे मकान पिछली साल जो बल्ली टूट गई थी तो उसमें झेका लगा है, मतलब एक लकड़िया लगी है, उसी में रहते हैं, जैसे बनता है तो कर लेते अपना गुजारा। और अभी आप क्या कि जो जिनके सीमेंट के चद्दर जिस झोपड़े पे हैं उसको आपने अभी नए तरीके से क्या किया है? का करो, गिर रहा तो सूई पे ऊपर ऐसे थोड़ी बहुत दीवार उठा लेंगे। और इसके ऊपर अब आप क्या करेंगे? अब क्या करें, कछु कोई नहीं है साधन, तो अपनी बेकी भी जिंक के चढ़ा दे। समस्या पे बदलाव के लिए मेरी देखने वाले श्रोताओं से अपील है कि फोन कर दबाव बनाए। दबाव के लिए अधिकारी जी हैं रघुवीर सिंह जी, जो CMO नगर पालिका परिषद हैं, जिनका फोन नंबर है 89 66 90 81 64। फोन कर अपना दबाव बनाएं और बदलाव की कोशिश करें। मैं आरती वाल्मीकि सागर जिला पूर्वी आउटोरी से इंडिया अनहर्ड के लिए।